आज के इस कार्यक्रम में जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे सम्मानित कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जी, आदरणीय श्री मनीष जैन जी, आदरणीय अक्षत जैन जी। कुलाधिपति एक तरीके का पिता होता है विश्वविद्यालय परिवार का, तो पिता की अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रति जो चिंता थी वो मैंने साफ देखी। आज जिन लोगों ने सफलता प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। आप आगे बढ़ें, अब सफलता को कदम आपका चूमे। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप कि मैंने तीर्थकर यूनिवर्सिटी को चुना क्यों, मैं बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया हूँ। हमारी सत्ता जो सरकारी विद्यालय है उसमें सब में मैं गया हूँ, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चुनकर जाता हूँ जहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा होता है। और मैंने पहले इनका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद मुझे इनके सारे कोर्सेस की विश्वसनीयता पर मुझे विश्वास आया और मुझे लगा कि विदेशों के लोग पढ़ने के लिए अब हमारे मुरादाबाद ऐसे छोटे शहर में तीर्थकर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। ये बड़ी बात थी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के सहायता से सारे यूनिवर्सिटीज ने, मैं समझता हूँ तीर्थकर यूनिवर्सिटी ने भी शायद अपने लेक्चरर्स के लेक्चर को अपलोड कराया। हमारी डिजिटल लाइब्रेरी में 74,000 लेक्चर्स हैं, उसमें जो श्रेष्ठ टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स को उन्होंने वीडियो के भी हैं और ऑडियो के भी लेक्चर्स हैं, उनको अपलोड किया है। और उनके माध्यम से आपको जो ऑनलाइन टीचिंग का व्यवस्था है उसमें आप कोई भी फ्री ऑफ कास्ट उसको लेक्चर्स को देख के पढ़ाई कर सकता है, जैसे वो ऑफलाइन क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करता है। ये परिवर्तन है। और मैं तीर्थकर विश्वविद्यालय का जो देख रहा था कि आपने रोजगार के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है, और मुझे देखकर प्रसन्नता भी हुई कि कई हजार लोगों को आपके यहाँ से रोजगार मिला है ये पाठ्यक्रम में, और मुझको लगता है कि एक काफ़ी बड़ी आपका उपलब्धि है कि बच्चा पढ़े और पढ़ते पढ़ते उसको यहाँ पर नौकरी मिल जाए। अब ये काम यहाँ पर हुआ, यहाँ पर नाइजीरिया के, भूटान के, नेपाल के, दूसरे देशों के तमाम विद्यार्थी आए हैं और यहाँ से पढ़ने के बाद उनको भी नौकरी मिली है। तो मैं यही कहूँगा कि बदले हुए समारोह में समय में आज मुरादाबाद ऐसे छोटे शहर में, मैं छोटा शहर इसके आबादी के क्षेत्र में, इसके क्षेत्रफल के आधार पर या यहाँ पर कम सुविधाएँ पहले हुआ करती थी, अब तो छोटा नहीं है। अब तो मुरादाबाद हमारा बहुत व्यवसाय की दृष्टि में बहुत आगे है, एक्सपोर्ट की अवस्था में बहुत आगे है। अब तो मैं कह सकता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा मुरादाबाद बहुत आगे बढ़ रहा है। ये सरकार का, अभी मैं देख रहा था कि मुरादाबाद में 1000 बेड का हॉस्पिटल तो केवल तीर्थकर में है, ये भी बड़ी बात है। चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, रोजगार के अवसर हो, व्यवसाय संपन्न हो, वही जिला वही शहर मजबूत होता है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुरादाबाद काफ़ी आगे बढ़ रहा है और शायद सरकार की भी यही नीति है। इसलिए जो आज आपको एक गले में लटका हुआ, हो सकता है ये 200 300 500 का ये मेडल हो, इससे ऊपर की कीमत ना हो, लेकिन इस गले की फ़ोटो को एक संभाल कर रखना मोबाइल में, जब परेशान हो तो इस मेडल को जो हाथ में लिया हुआ तुम्हारी फ़ोटो है उसको ताक लेना, और ताक लेना ये तुम्हारी क्षमता का जो मापन था ये तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। लोगों ने बहुत शांति से सब चीज़ सुना, इसलिए अच्छे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।